व्हाट्स अप पीपल, माय नेम इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखो, आज ऑफिशियली एमजी कंपनी ने अपनी अपकमिंग मिड साइज एसयूवी कार एस्टर को अनवील कर दिया है इंडियन मार्केट में। और ये कार अब इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाली है, क्योंकि इस कार के अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स को इंक्लूड किया गया है और बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि कंपिटिटर कारों के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि क्रेटा हो गई, इसके अलावा सेल्टॉस हो गई, टाइगन और कुशक, इन कारों के अंदर वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है जो फीचर्स आपको एमजी की इस कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा और साथ ही में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्रेटा, सेल्टॉस या फिर टाइगन कुशक के साथ जाना चाहिए या फिर आपको एमजी एस्टर को अभी बुक करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं। एमजी एस्टर इंडिया की पहली ऐसी कार है जिसके अंदर आपको एआई असिस्टेंट का डिवाइस मिलेगा, और ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस की मदद से आप इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे और ये डिवाइस आपके लिए गाने प्ले कर देगा। इसके अलावा आपको जोक्स भी सुनाएगा और विकिपीडिया से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेगा, न्यूज आपके लिए पढ़ेगा और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये डिवाइस शेयर करेगा। और इस डिवाइस का जो वॉइस रहेगा वो डॉक्टर दीपा मलिक इन्होंने दिया है। डॉक्टर दीपा मलिक एक पैरालंपिक मेडलिस्ट है, इसके अलावा इनको पद्मश्री और खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। तो मतलब इस कार के अंदर अब आपको इनका वॉइस देखने को मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे केसेस में आपने रोबोटिक्स का आवाज सुना होगा, मतलब वो उतना ज्यादा फैमिलियर नहीं लगता, तो अब आपको एक ह्यूमन का वॉइस इस कार के इंटीरियर में देखने को मिल जाएगा जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का। वही अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो एमजी एस्टर की लेंथ है 4323 मिलीमीटर की, जो कि 23 मिलीमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू हुंडई की क्रेटा। एस्टर की वेट 1809 मिलीमीटर की है, जो कि क्रेटा के मुकाबले 19 मिलीमीटर ज़्यादा है। इसके अलावा एस्टर की हाइट 1650 मिलीमीटर की है, जो कि 30 mm ज़्यादा है क्रेटा के मुकाबले। तो यहाँ पर एमजी के एस्टर लेंथ के मामले में, वेट के मामले में और हाइट के मामले में हुंडई क्रेटा से थोड़ी सी बड़ी है, तो डायमेंशंस के मामले में ये क्रेटा से थोड़ी सी आगे निकल जाती है। वही अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो एमजी एस्टर के अंदर दो पेट्रोल इंजन ऑफर किए हुए हैं। पहला इंजन इसके अंदर आपको मिलेगा 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग 140 पीएस की पावर आउटपुट और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। इसके अलावा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी इसके अंदर ऑफर किया हुआ है, जो कि लगभग 110 पीएस की पावर आउटपुट और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। ट्रांसमिशन के तौर पर एस्टर के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और 8 स्पीड सीवीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया जाएगा। वही अगर मैं इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो एमजी एस्टर के अंदर बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए हुए हैं और इसके इंटीरियर में 3 कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यानी 3 कलर स्कीम के साथ इसको उतारा जाएगा। पहला कलर इसके अंदर आपको मिलेगा ड्यूल टोन सैंग्रिया रेड, दूसरा कलर है ड्यूल टोन आइकॉनिक आइवरी और तीसरा कलर इसके अंदर इंक्लूड किया है टुक्सेडो ब्लैक। तो यहाँ पर 3 कलर ऑप्शंस आपको इसके इंटीरियर के थीम के तौर पर देखने को मिल जाएंगे, तो आपके पास इंटीरियर के कलर के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। वही एस्टर के इंटीरियर में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, ये भी काफी हद तक कमाल की बात है। इसके डैशबोर्ड के ऊपर, इसके सीट के ऊपर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और अपोजिटी के ऊपर प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल कंपनी ने किया हुआ है, तो ये भी काफी हद तक बढ़िया बात है। ड्राइवर के लिए 6-way पावर एडजस्टेबल सीट का इस्तेमाल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार के अंदर पहली बार 3 स्टीयरिंग मोड्स दिए हुए हैं, यानी इसके स्टीयरिंग व्हील को आप 3 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके जो मोड्स है वो है नॉर्मल, इसके अलावा अर्बन और डायनामिक, और ये जो मोड्स इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं ये आपको फर्स्ट इन सेगमेंट देखने को मिल जाएंगे, यानी इस सेगमेंट में किसी भी कार के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अगर आप अर्बन रोड्स पर इस कार को चलाओगे तो उसके हिसाब से आप इसके स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप हाईवे पर इस कार को चलाओगे तो उसके हिसाब से आप इसके स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी तक बढ़िया फीचर एमजी के एस्टर के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड किया है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। और इस कार के अंदर 80 कार कनेक्टेड फीचर्स को इंक्लूड किया है, यानी आपको 80 कार कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी इस कार को कंट्रोल कर पाओगे। इसके अलावा 7 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसके अंदर दिया हुआ है। पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इसके अलावा हीटेड ORVMs, PM2.5 फिल्टर का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। रियर AC वेंट,
फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। रही बात स्पेसिंग की, तो इसके फर्स्ट रो और सेकेंड रो के ऊपर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिलेगी क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो क्रेटा के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसके दोनों ही रोज के ऊपर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके बूट स्पेस के रिलेटेड और ग्राउंड क्लियरेंस के रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अपने ब्लॉग में वो चीज़ें मेंशन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। वही अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ, एमजी एस्टर के अंदर 27 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स को इंक्लूड किया है जो कि सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस कार के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ये फीचर मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल का फीचर भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। 6 एयरबैग्स एमजी एस्टर के अंदर दिए जाएंगे। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर और अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस कार के अंदर कंपनी ने एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि ड्राइविंग के वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और सेफ्टी के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, महिंद्रा XUV700 के अंदर एडास लेवल 1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन एस्टर के अंदर आपको एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल 14 फीचर्स दिए जाएंगे। हर एक फीचर्स की लिस्ट मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर सभी फीचर्स को पढ़ सकते हैं। वही अगर मैं एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो एस्टर का एक्सटीरियर डिजाइन भी काफी हद तक कमाल का है, मतलब बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं। इसके फ्रंट में न्यू ग्रिल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, क्रोम के पैटर्न्स आप ग्रिल्स के ऊपर देख सकते हैं और एमजी कंपनी कहती है कि ये जो ग्रिल्स है ये थोड़े से अग्रेसिव लगते हैं, तो मतलब दिखने में भी काफी हद तक कमाल के हैं। इसके अलावा न्यू लाइटिंग सेटअप आपको एमजी एस्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में भी और रियर में भी। कंपनी ने इसके अंदर हो आई फुल एलईडी हेडलाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, एलईडी डीआरएल का डिजाइन भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील दिए जाएंगे। इसके अलावा ब्लैक कलर के ORVM जो कि टर्न इंडिकेटर फंक्शन के साथ आते हैं ये भी इंक्लूड किए हुए हैं। इसका रियर फेशा देख सकते हैं, दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। न्यू LED टेल लाइट का सेटअप इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका डिटेल रिव्यू वीडियो मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही कार नियर बाय शोरूम में आती है तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। और यहाँ पर अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ऑफिशियल इसको अनवील किया जा चुका है। एमजी कंपनी इस कार को अगले महीने या फिर फेस्टिव सीजन यानी दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। शायद मेरे हिसाब से इसको अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। रही बात कीमत की, तो इसके बेस मॉडल की कीमत 9 या फिर 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है क्योंकि क्रेटा की कीमत इंडियन मार्केट में 10 लाख रुपए से शुरू होती है, तो इसकी भी कीमत 9 या फिर 10 लाख रुपए से शुरू होनी चाहिए। आपको क्या लगता है एमजी के इस एस्टर कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि एमजी एस्टर के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।